हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल निर्मला आरी वर्क में। आज की इस वीडियो में हम वाटर फिलिंग स्टिच सीखेंगे। तो इसके लिए मैं सिल्क थ्रेड ले ली हूँ, दो टाइप का सिल्क थ्रेड ले ली हूँ और जरी थ्रेड। इन इन सारे थ्रेड से स्टिच करना है। आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, बिगनर्स हैं तो आप नॉर्मल टेलरिंग थ्रेड से प्रैक्टिस करेंगे, और सिंगल थ्रेड यूज़ कर रही हूँ इसीलिए मैं एक तार की निडल ले रही हूँ। और इसके लिए मैं कटदाना ले रही हूँ, जो मैं स्टिच के बीच बीच में आपको स्टिच करके दिखाऊंगी कैसे स्टिच करना है। तो चलिए स्टार्ट करते वीडियो और सीखते हैं वाटर फिलिंग स्टिच, इसको पानी स्टिच भी कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते अपने वीडियो। इस स्टिच को आपने कोई शेप नहीं देना है, जैसे बहुत लोग ऐसे स्टिच करते हैं इस तरह से, ऐसे स्टिच करते इस तरह से हार्ट बनाते ऐसे, तो आपने इस तरह से स्टिच नहीं करना है, ये रॉन्ग है। कभी भी वाटर फिलिंग स्टिच इस तरह से स्टार्ट नहीं की जाती है ऐसे, ये रॉन्ग है, क्योंकि ये वाटर यानी पानी है, पानी का कोई शेप नहीं होता है। फिर भी हम एक प्रॉपर वे में स्टिच करेंगे तो ये हमारा रॉन्ग है, ये इस तरह से स्टिच नहीं करना चाहिए। इस स्टिच का मीनिंग मतलब क्या है कि हमको जो भी हमारा हमने जो वर्क किया है उसमें जो जगह खाली रह गई है उसको भरने का काम करता है ये वाटर फिलिंग स्टिच। तो इसको हमने कैसे करना है, इस तरह से स्टार्ट किए और इस तरह से देखिए ऐसे स्टार्ट किए और यहाँ से ऐसे, जैसे यहाँ पे ये शेप बन रहा था ऐसे शेप नहीं बनाना है, इस तरह से आपने स्टिच करना है। और आप जैसे स्टिच करते जाओगे वो अपने आप शेप बनता चला जाएगा। तो इस तरह से आपने स्टार्ट करना, देखिए इस तरह से ऐसे इस तरह से देखिए अपने आप शेप बनते जा रहा है। इस तरह से आपने स्टिच करना है, इस तरह से करना है, मतलब स्टार्ट कहाँ से किया हमने एंड कहाँ किया वो पता नहीं चलना चाहिए, इस तरह से ये स्टिच करते हैं। तो चलिए अब मैं थ्रेड से स्टिच करके बताती हूँ आपको। अब हम गोल्डन जरी थ्रेड से स्टिच करना सीखेंगे, इसलिए मैंने गोल्डन जरी थ्रेड से बॉर्डर बना लिया है। इसको मैं कॉर्नर से स्टार्ट कर रही हूँ कि इस तरह से, इस तरह से बनाना चालू करेंगे। इसको आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, आपको जहाँ से भी मर्जी स्टार्ट कर सकते हो, इस तरह से बनाते जाना है। जहाँ आपने एक बना लिया आपको उसके बाद प्रॉपर एक वे मिलता चला जाएगा, आप बनाते चले जाओगे। अभी जैसे देखिए मैंने ये मेरा एक कंप्लीट हुआ, देखिए अब दूसरा एक कंप्लीट होते ही दूसरा पता चल गया कि यहाँ से बनेगा। देखिए आपको देख के आप जब बनाओगे ना तो आपको पता चलेगा, जैसे आप एक कंप्लीट किए और दूसरा अपने आप मिल जाएगा कि यहाँ से दूसरा बनेगा। इस तरह से आपने बनाते जाना है, देखिए इस तरह से, आप इस थ्रेड से भी प्रैक्टिस कर सकते हो क्योंकि ये भी थ्रेड जल्दी टूटता नहीं है। देखिए अब जैसे हमारा ये दूसरा कंप्लीट हुआ तुरंत पता चल गया कि यहाँ से हमारा
दूसरा तीसरा वाला बनेगा। तो इस तरह से देखिए, अब ये कंप्लीट होते ही पता चल गया कि हमारा यहाँ से अगला स्टेप होगा। देखिए तो इसका फ्रेंड जैसे नाम है इसका पानी स्टिचना, वैसे ही वो आप बस बनाते जाइए, वो बनते जाएगा बनते जाएगा। देखिए इस तरह से ये आपने पूरा कंप्लीट कर लेना है। अब देखिए हमारा यहाँ पे कॉर्नर आ रहा है। इसमें ऐसा नहीं कि हमको कहीं कॉर्नर बनाना है, बस यही कोशिश करनी कि हमारी जो भी जगह खाली रह गई है वर्क करने के बाद, बस वो भर जानी चाहिए। देखिए इस तरह से अब वहाँ से हम घुमाए और यहाँ पे देखिए स्टिच हो गया कॉर्नर। इसमें ऐसा नहीं, राउंड हो स्क्वायर हो कैसा भी हो, बस आपको स्टिच करते जाना है इस तरह से। अब जब स्टार्ट करोगे ना प्रैक्टिस करना, तो आपको अपने आप समझ में आता जाएगा कि कैसे स्टिच करना है। इस तरह से ने स्टिच करते जाना है।
देखिए फ्रेंड्स, मुझे जहाँ जहाँ जगह मिला मैं बस स्टिच करते चली जा रही हूँ। इसी तरह से आपने भी करना है और कोशिश करिए कि बारीक बारीक टाका निकले। आप जितना बारीक स्टिच करोगे उतना ये डिजाइन अच्छा लगता है। तो आपको कोशिश करनी है कि चैन स्टिच एकदम छोटा छोटा बनाएं। इस तरह से आपने ये डिजाइन बनाते जाना है। इसी तरह से आपको ये पूरा कंप्लीट कर लेना है और बारीक बारीक ही टाके निकालिए। आप स्टिच करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आप पहले प्रैक्टिस कर रहे तो थोड़ा बड़ा निकालेंगे तो भी चलेगा, लेकिन बाद में आप छोटे छोटे टाके निकालिए, क्योंकि बड़े बड़े इस डिजाइन में बड़े बड़े टाके अच्छे नहीं लगते। तो आपने जितना हो सके बारीक ही टाका निकालिए। तो इस तरह से आपने ये बनाते जाना है। देखिए, मुझे जहाँ भी जगह मिल रहा है मैं वहाँ पे स्टिच कर रही हूँ। तो इसी तरह से आपने भी करना है। तो अब हमारा यहाँ पे ये जरी थ्रेड पानी स्टिच कंप्लीट हुआ। नॉट लगा देंगे तरह से। अब हम सिल्क थ्रेड से सीखेंगे। देखिए, सिल्क थ्रेड से स्टिच करना है इसलिए मैंने सिल्क थ्रेड से बॉर्डर बना लिया है, और वो हमने कॉर्नर से स्टार्ट किया था और इसको मैं बीच से स्टार्ट कर रही हूँ। तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। देखिए इस तरह से, और ये इसको बहुत आराम आराम से स्टिच करना है फ्रेंड्स। बहुत सावधानी से स्टिच करना पड़ेगा क्योंकि ये सिंगल थ्रेड है। क्योंकि सिल्क थ्रेड कभी भी हम डबल लेते हैं स्टिच करने के लिए, लेकिन ये सिंगल थ्रेड है, इसको सिंगल थ्रेड से स्टिच किया जाता है। अब डबल थ्रेड से स्टिच करोगे तो ये अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए सिंगल थ्रेड से स्टिच करते हैं। तो इसको टूटने का बहुत चांस रहता है, इसीलिए बहुत सावधानी से स्टिच करेंगे। देखिए इस तरह से। देखिए, मैं जैसे जैसे बनाते जा रही हूँ आगे अपने आप बनते जा रहा है। ऐसे ही आप भी जब बनाना चालू करोगे तो आपको आप एक जहाँ कंप्लीट किए आपको दूसरा समझ में आ जाएगा आपको कि कैसे बनाना है। तो इसी तरह से ये डिजाइन अपने आप बनती चली जाती है। तो आप एक बार प्रैक्टिस करके देखिए फ्रेंड। बनाने में आप बनाना चालू करोगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, और आप बनाते बनाते चले जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। इस तरह से आपने प्रैक्टिस करना है।
तो देखिए फ्रेंड्स, स्टिच करते करते अब ये भी कंप्लीट होने वाला है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि वाटर फिलिंग स्टिच आखिर में स्टिच कैसे की जाती है। इस तरह से अब ये भी कंप्लीट होने वाला है। देखिए, मुझे जहाँ भी जैसे भी जगह मिला मैं स्टिच करते गई। अब यहाँ पे नॉट लगा देंगे। देखिए कंप्लीट हो गया। अब इसमें ग्रीन कलर से स्टिच करूँगी, इसलिए मैंने ग्रीन कलर से बॉर्डर बना लिया है और इसको कॉर्नर से स्टार्ट कर रही हूँ। इसमें मैं मटेरियल स्टिच करूँगी कट दाना। आप कट बिट्स भी ले सकते हो, शुगर बिट्स ले सकते हो। जैसे कहीं कुछ एडवांस लुक दिखाना हो तो आप इस तरह से स्टिच कर सकते हो। इसलिए मैंने ये दिखाया आप लोगों को ताकि आप लोगों को और आइडिया हो जाए। इस तरह से आप कोई भी मटेरियल आप स्टिच कर सकते हो इस तरह से। देखिए इस तरह से आपने स्टिच करना है। मटेरियल के साथ में तो ये वाटर फिलिंग स्टिच ना और भी सुंदर लगता है। इस तरह से आपने स्टिच करना है। अभी कुछ नहीं करना है, बाकी आप नॉर्मल जैसे स्टिच करते गए बस उसी तरह स्टिच करना है। बस बीच बीच में एक एक मटेरियल आपने स्टिच करते जाना है इस तरह से, जैसे मैं कर रही हूँ। तो इसी तरह से आपने इसको भी कंप्लीट कर लेना है। फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरी जानकारी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। प्लीज़ फ्रेंड्स में शेयर करना मत भूलिएगा। तो इसी तरह से देखिए ये भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। देखिए अब ये कितना सुंदर लग रहा है मटेरियल स्टिच किए तो। इसी तरह से आपने भी अगर कोई एडवांस लुक दिखाना है तो बीच बीच में एक एक मटेरियल स्टिच कर सकते हैं इस तरह से। देखिए कंप्लीट हो गया। और फ्रेंड्स, आपको प्रैक्टिस करने के लिए आप इस तरह से बना के भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आप इस तरह से आप अपनी स्पीड बढ़ा सकते हो वेव इसमें स्टिच करके। ये प्रैक्टिस करने के लिए आप ऐसा करिए।